Hello everyone, I hope you all are doing fine. Welcome to all of you on my YouTube channel. My name is Shweta Sharma and today in this video we will be discussing about child psychology in pediatric dentistry. Yes, this is a very important chapter from 5 or 10 marks aspect questions. So we will be covering important questions only. Okay, so these three are the most important questions from this chapter, in which first is name various theories of child psychology and explain psychosexual theory. Second is Sigmund Freud's theory. इसे psychosexual theory को ही Sigmund Freud theory कहते हैं. तो यहाँ पे either ये 10 marks में आ सकता है या फिर 5 marks में आ सकता है. Third question is psychic triad. Psychic triad पे भी 5 marks का question आ सकता है. So yes, ये तीनों ही आज के इस video में हम cover करने वाले हैं. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल बिलो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट एवरी अपडेट. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मिनट, सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था, दिस वन, नेम वेरियस थेरीज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड एक्सप्लेन साइकोसेक्सुअल थेरी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू इज डिफाइन साइकोलॉजी एंड देन डिफाइन child psychology. Before classification, you have to introduce this topic, right? So, what is psychology? In our normal daily life, what is psychology? लोगों के nature से deal करना, उनके thoughts से deal करना, उनके behavior से deal करना, वो जो काम करते हैं उनसे deal करना, that is psychology. So, psychology is a science dealing with human nature, function, phenomenon of its soul in the main. ठीक है, तो लोगों के नेचर से, फंक्शन से, फिनोमिना से, इन सबसे डील करना, दैट इज साइकोलॉजी. चाइल्ड साइकोलॉजी, इट इज़ अ साइंस दैट डील्स विद द मेंटल पावर और इंट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस एलिमेंट ऑफ द चाइल्ड. ठीक है, तो चाइल्ड में जो कॉन्शियस लेवल होता है एंड सबकॉन्शियस लेवल होता है, उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन बना के रखना, दैट इज कॉल्ड एज चाइल्ड साइकोलॉजी. कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, इन सभी के बारे में हम आगे बढ़ेंगे. नाउ द थ्योरीज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आता है, जिसमें क्वेश्चन था क्लासिफाई द चाइल्ड साइकोलॉजी थ्योरी. सो दीज आर द थ्योरीज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. फर्स्ट इज साइकोडायनेमिक, सेकेंड इज बिहेवियर लर्निंग थ्योरीज. तो साइकोडायनेमिक्स, साइको दैट मीन्स मेंटल एटीट्यूड, डायनेमिक्स मीन्स मूवमेंट. तो जहाँ पे मेंटेलिटी जो है वो मूवमेंट करती रहती है, यानी कि बच्चा जो पैदा होता है और बड़े होने तक जो उसकी साइकोलॉजी है वो चेंज होती जाती है उनके बेसिस पे. सो दीज आर द थ्री थ्योरीज. फर्स्ट इज साइकोसेक्सुअल थ्योरी, विच वॉज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉयड एंड विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी. ओके, साइकोसेक्सुअल का मतलब है कि इन्होंने अपनी थ्योरी को सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बताया, जो कि बाद में इसी थ्योरी का एक ड्रॉबैक भी बना कि केवल इसके बेसिस पे हम चाइल्ड साइकोलॉजी को डिवाइड नहीं कर सकते हैं. सेकेंड वॉज साइकोसोशल थ्योरी, यानी कि चाइल्ड जो है वो कैसे सोशलाइज करता है, उसकी लाइफ कैसे कैसे सोशलाइज करती है, उसके बेसिस पे, विच वॉज गिवन बाय एरिक एरिक्सन. कॉग्निटिव थ्योरी बाय जीन पियाजेट. ठीक है, उसके अलावा सेकेंड इज बिहेवियर लर्निंग थ्योरीज. बिहेवियर लर्निंग में चार आते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग एंड हायरार्की ऑफ नीड्स. इसके यहाँ पे आप न्यूमोनिक याद कर सकते हो. बिहेवियर थ्योरी में हाई सोशल क्लास पीपल गो टू ओपेरा. ठीक है, हाई, हायरार्की ऑफ नीड्स, सोशल, सोशल लर्निंग थ्योरी, क्लास, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ओपेरा, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी. अब ये किन्होंने दी थी, उनको आप कैसे याद करोगे, MPPS, जो आपके वाईफाई की स्पीड होती है मेगाबाइट पर सेकेंड, उसी के बेसिस पे आप इसको एज इट इज याद करोगे सीरियल वाइज, MPPS, मार्शलो, बेंड्यूरा, पेवलोव एंड स्किनर. ठीक है, तो ऐसे ही आपको थेरीज के नाम याद करने हैं. सबसे पहले साइकोडायनेमिक, सेकेंड वॉज बिहेवियर लर्निंग थेरीज. ओके, तो सबसे पहले हमने डिफाइन कर दिया है, देन वी हैव क्लासिफाइड ऑल द थेरीज, चाइल्ड साइकोलॉजी थ्योरीज. नाउ विल बी डूइंग सिगमंड फ्रॉयड थ्योरी. तो यहाँ पे दिस इज साइको एनालिटिक थ्योरी. अभी आप बोलोगे हमने तो साइको सेक्सुअल थ्योरी बोला था, तो साइको सेक्सुअल थ्योरी को ही साइको एनालिटिक थ्योरी बोला है. ठीक है, विच वॉज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉयड. तो क्वेश्चन आपको साइको एनालिटिक थ्योरी भी आ सकता है या फिर साइको सेक्सुअल थ्योरी भी आ सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉयड ने सबसे पहले क्या किया, ही डिस्क्राइब द ह्यूमन माइंड इनटू टू मॉडल्स. सबसे पहला मॉडल है टोपोग्राफिक मॉडल एंड सेकेंड इज साइकिक मॉडल, जिसे हम साइकिक ट्रायड भी कहते हैं. अब देखो क्वेश्चन जो लास्ट थर्ड क्वेश्चन था साइकिक ट्रायड, वो भी यहाँ पे हमारा कवर हो जाएगा. ओके, सो सिगमंड फ्रॉयड डिस्क्राइब द ह्यूमन माइंड इनटू टू मॉडल्स. सो व्हाट इज टोपोग्राफिकल मॉडल, इसमें ह्यूमन माइंड को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, कॉन्शियस,
प्री कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। यहाँ पे देखिए, कॉन्शियस माइंड वो होता है जो हम काम कर रहे हैं उसी को अटेंशन देता है, दैट मीन्स कॉन्शियस माइंड इज पेइंग अटेंशन एट दैट मोमेंट, राइट। प्री कॉन्शियस माइंड कौन सा होता है, इन्वॉल्व्स ऑर्डिनरी मोमेंट एंड नॉलेज, थिंग्स वी आर अवेयर ऑफ बट नॉट पेइंग अटेंशन एट दैट मोमेंट। यानी कि अगर आप फिलहाल पढ़ रहे हैं पर उसके अलावा कुछ और दिमाग में आप सोच रहे हैं, दैट इज योर प्री कॉन्शियस माइंड। नाउ द थर्ड वन इज अनकॉन्शियस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सबकॉन्शियस माइंड। इसका मतलब क्या होता है, हम कर रहे कुछ और होते हैं और सोच रहे कुछ और होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको पढ़ाने के बारे में सोच रही हूँ क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, राइट। पर मेरा अनकॉन्शियस माइंड मेरे हैंड्स की मूवमेंट करा रहा है, क्योंकि मेरे हैंड्स की मूवमेंट तो मैं कॉन्शियस माइंड से नहीं कर सकती ना, क्योंकि मेरा कॉन्शियस माइंड पढ़ाने में लगा हुआ है, राइट। तो अनकॉन्शियस का मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ माइंड विच थिंग्स एंड एक्ट्स इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पे एक आइसबर्ग के थ्रू इसे समझाया है। इसमें बेसिकली जो 90% पार्ट होता है दैट इज इनविजिबल, दैट इज अंडर वाटर, एंड जो 10% है वो अबव द लेयर ऑफ वाटर है, विच इज कॉन्शियस पार्ट, ठीक है। कॉन्शियस में बेसिकली हमारे थॉट्स एंड परसेप्शन होते हैं, बिलो द वाटर देन आता है प्री कॉन्शियस लेवल। प्री कॉन्शियस लेवल में हमारी स्टोर्ड नॉलेज होती है, जो हमारी नॉलेज हमने जो पहले पढ़ा हुआ है या फिर कोई भी एक्सपीरियंस है वो होता है, मेमोरीज, फियर्स, डाउट्स, ये सभी। अनकॉन्शियस लेवल में आते हैं सेल्फिश मोटिव्स या फिर एग्रेशन या फिर सोशली अनएक्सेप्टेबल डिजायर्स। तो ये सभी है टोपोग्राफिकल मॉडल्स ऑफ सिगमंड फ्रूड्स थ्योरी, ठीक है। अब हम करेंगे साइकिक मॉडल। साइकिक मॉडल में इन्होंने ह्यूमन बींग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो सबसे पहला ईड, इसमें जो लोग होते हैं वो प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, यानी कि उनका जो मन है वही उनको फिलहाल चाहिए एट एनी कॉस्ट। द चाइल्ड वॉन्ट्स फूड इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, कि भाई कुछ भी हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए पर मेरे को खाना चाहिए तो चाहिए, ठीक है, प्लेजर प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट है ईगो, ये होता है नॉर्मल जो हम हैं, ठीक है, यानी कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ दैट इज कंसर्न्ड विद ओवरऑल फंक्शनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी। ये रियलिटी बेसिस पे काम करता है, इसमें मेमोरी, लैंग्वेज, क्रिएटिविटी सभी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हंगर मस्ट वेट अनटिल फूड इज गिवन, अगर किसी को भूख लगी है तो जब तक उसे खाना नहीं मिलता तब तक वो सहन कर सकता है, दैट इज ईगो। और ईड का मतलब क्या होता है, अगर उसे भूख लगी है तो उसे उसी टाइम खाना चाहिए, ठीक है। नाउ सुपर ईगो, ये होता है आइडियलिस्टिक, और आपको तो पता ही है आइडियल चीज तो होती ही नहीं है। तो बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी दैट इज इंटरनलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यूज एंड मॉरल्स ऑफ द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, घरों में जो रेस्ट्रिक्शन होते हैं वो, जो लोग सुपर ईगो में आते हैं वो उन रेस्ट्रिक्शंस को हमेशा फॉलो करेंगे एट एनी सर्कमस्टेंस। तो यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हो, ईड बोलता है आई वॉन्ट इट राइट नाउ, देन ईगो कहता है कि आई नीड टू डू अ बिट प्लानिंग टू गेट इट, कि भाई मुझे मिल तो जाएगा पर थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और सुपर ईगो कहता है यू कैन नॉट हैव इट, इट्स नॉट राइट, कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए हमें सही और गलत तो फॉलो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे अगेन सुपर ईगो, ईगो, ईड। ईड किस पे काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे। ईगो किस पे काम करता है, रियलिटी प्रिंसिपल पे। और सुपर ईगो किस पे काम करता है, परफेक्शन प्रिंसिपल पे, कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अब आती है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जो हमने अभी तक दो पढ़े थे, टोपोग्राफिकल मॉडल एंड सेकेंड वॉज साइकिक मॉडल, वो दोनों मॉडल्स भी सिगमंड फ्रूड ने ही दिए थे, एंड दीज आर द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट विच वॉज ऑल्सो गिवन बाय सिगमंड फ्रूड, ठीक है। ये सभी आपको सिगमंड फ्रूड की जो साइकोसेक्सुअल या फिर साइको एनालिटिक थ्योरी है उसमें लिख के आनी है। सो दीज आर द 5 स्टेजेस विच वॉज गिवन बाय द सिगमंड फ्रूड विच आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, जिसमें ये 5 स्टेजेस आती हैं। फर्स्ट इज बर्थ टू 1.5 ईयर, देन 1.5 to 3, आप बेसिकली डबल कर सकते हैं, 1.5 से 3, 3 से 6, 6 से प्यूबर्टी, and then puberty onwards. First is oral stage, then anal stage, then phallic stage, latency stage and genital stage. ओरल स्टेज में बेसिकली क्या होता है, इस टाइम में चाइल्ड को कुछ भी मिलता है वो अपने ओरल कैविटी में ले जाने की ट्राई करते हैं। सो इन दिस स्टेज इन्फेंट्स प्लेजर सेंटर्स ऑन माउथ, ठीक है। सेकंड इज एनल स्टेज, जिसमें चाइल्ड को पॉटी ट्रेनिंग दी जाती है। थर्ड इज फेलिक स्टेज, फेलिक स्टेज में बेसिकली चाइल्ड के जो जेनाइटल्स होते हैं वो ग्रो होते हैं। उसके बाद फिर लेटेंसी स्टेज आती है, लेटेंसी का मतलब होता है जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि जहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है, चाइल्ड रिप्रेसेस सेक्सुअल इंटरेस्ट एंड डेवलप सोशल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स।
तो इस एज में चाइल्ड की ग्रोथ नहीं होती है, रेदर देन देयर सेक्सुअल इंटरेस्ट, सोशल डेवलपमेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर डेवलप्ड। उसके बाद आती है जेनाइटल स्टेज, विच इज अ टाइम ऑफ सेक्सुअल रीअवेकनिंग। तो यहाँ पे आप वन बाय वन देख सकते हो, फर्स्ट इज ओरल स्टेज। ओरल स्टेज में चाइल्ड हर एक चीज को अपनी ओरल कैविटी में लेने की ट्राई करता है। उसके बाद एनल स्टेज, यहाँ पे आप देख सकते हो टॉयलेट ट्रेनिंग इसमें दी जाती है। देन फेलिक स्टेज, फेलिक स्टेज में दो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, ईडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओई। ईडिपस कॉम्प्लेक्स में बेसिकली क्या होता है, जो बॉय चाइल्ड होता है वो अपनी मदर से ज्यादा अटैच्ड होता है एज कम्पेयर टू हिज फादर। एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में जो गर्ल चाइल्ड होती है वो अपने फादर से ज्यादा अफेक्शनेट होते हैं एज कम्पेयर टू हर मदर। नाउ द लेटेंसी स्टेज, जिसमें जो ग्रोथ है वो नहीं होती है, बट यस जो हमारी सोशल इंट्रैक्शन होती है वो ज्यादा होती है। उसके बाद आता है जेनाइटल स्टेज, जिसमें अपोजिट अट्रैक्शन ज्यादा होता है। Now the merits of Freud's theory. This is one of the earliest and most comprehensive theory of lifelong psychological theory. कि भाई सबसे पहले दी थी, most comprehensible. In fact, इसको ही basis बना के आगे की theories दी जाती हैं. But its demerits are कि इसको adult perspective से ज़्यादा helpful माना जा सकता है rather than child perspective. तो यहाँ पे हमारे तीनों questions cover हो जाते हैं जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाए थे। यहाँ पे first is name various theories, जिसमें हमने दो तरह की theories की हैं, साइकोडायनेमिक थ्योरीज एंड बिहेवियर लर्निंग थ्योरीज, उनको फर्दर क्लासिफाई किया है। उसके अलावा साइकोसेक्सुअल थ्योरी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ए साइको एनालिटिक थ्योरी, विच इज गिवन बाय सिगमंड फ्रूड्स थ्योरी। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। एंड थर्ड इज साइकिक ट्रायड, जिसमें इड, ईगो, सुपर ईगो आता है। तो ये सभी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हमने कवर कर ली है। उसके अलावा एक इसी चैप्टर से एरिक्सन वाली जरूर कर लेना, साइकोसोशल थ्योरी, जिसमें बेसिकली इन्होंने साइकोसोशल यानी कि सोशल इंटेलेक्चुअल के बेसिस पे स्टेजेस डिवाइड किए हैं। साइकोसोशल थ्योरी ऑफ एरिक एरिक्सन, इस पे भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि कई बार इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बाकी ये तीनों क्वेश्चन तो आपको हर हालत में जरूर करके ही करके जाने हैं। ठीक है, सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ यू ऑल फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू प्रेस द लाइक बटन। एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल बिलो एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट यू कैन गेट एवरी अपडेट। थैंक यू एंड गुड लक।